नमस्कार दोस्तों, वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो गाइज, अगर आप कोई फार्मर हैं, अगर आप कोई वेटनरी के स्टूडेंट हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। आप इस चैनल को विज़िट करें, सब्सक्राइब करें और हमारी जितनी भी वीडियो है सभी को देखें, क्योंकि आपको उसमें कुछ ना कुछ मैं अलग बताने की कोशिश करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइज, जो स्पीसीज़ होती हैं जैसे कैटल, एयू और सो जैसी ये मेयर होती है, तो इनका जो ईस्टर साइकिल है, लेंथ ऑफ ईस्टर साइकिल और ओविलेशन और कितनी इनकी जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है, सारा मैं आज की इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो गाइज, बने रही आप इस हमारी इस वीडियो के साथ, क्योंकि आप अगर पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको समझ आएगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। और गाइज, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑफ फर्स्ट ब्रीडिंग के बारे में, हीट रेंज के बारे में और प्यूबर्टी मंथ के बारे में कि किस पीसेज में कितना ये सब कुछ रहता है। तो गाइज, ये पार्ट सेकंड है। अगर आप इसका जो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइज, अगर आप कोई भी किसान है, वेटनरी के स्टूडेंट हैं, अगर आपको एनिमल के बारे में जानना है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एनिमल का नाम बताया गया है और इसके बाद एज ऑफ प्यूबर्टी मंथ के बारे में बताया गया है, यहाँ पर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ हीट रेंज के बारे में, एज ऑफ फर्स्ट ब्रीडिंग के बारे में, ईस्टर साइकिल के बारे में, ओवुलेशन टाइम के बारे में और जेस्टेशन पीरियड के बारे में बताया गया है। तो गाइस, इसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में जो है काउ आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें जो प्यूबर्टी मंथ है वो 14 से 19 तक का है और एवरेज ड्यूरेशन ऑफ हीट रेंज इसमें 12 से 24 आवर्स की है और एज ऑफ फर्स्ट ब्रीडिंग तो ये 2 सालों का यहाँ पर रहने वाला है। ईस्टर साइकिल ऑफ डेज तो 21 दिनों का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और बात करें ओविलेशन की तो 12 आवर्स की और यहाँ पर जेस्टेशन पीरियड 281 दिनों का देखने को मिल जाएगा। बात करें बुफेलो की तो यहाँ पर 20 से 26 आप देख सकते हैं कि इसका जो है प्यूबर्टी मंथ रहेगा। इसके बाद 18 से 30 आवर्स इसमें एवरेज ड्यूरेशन ऑफ हीट रेंज के रहेंगे और यहाँ पर दो से ढाई साल यहाँ पर इसके एवरेज ऑफ फर्स्ट ब्रीडिंग के रहेंगे और इसका ईस्टर साइकिल 21 दिनों का और ओवुलेशन टाइम इसका 7 आवर्स का और जेस्टेशन पीरियड 310 दिनों का यहाँ पर रहने वाला है। बात करें डो की तो यहाँ पर एज ऑफ प्यूबर्टी मंथ 4 से 5 महीने, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ हीट तो 20 से 39 आवर्स और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1.5 ईयर इसमें एज ऑफ फर्स्ट ब्रीडिंग रहेगा और 19 दिन इसमें स्ट्रेस साइकिल रहेगा और सेकेंड डे ऑफ हीट इसमें ओवुलेशन टाइम रहेगा और 145 दिनों का इसमें जेस्टेशन पीरियड रहने वाला है। बात करें गाइस यू की तो यू में आप देख सकते हैं कि 4 से 5 मंथ का इसमें प्योरिटी मंथ रहेगा और एवरेज ड्यूरेशन ऑफ हीट इसमें 20 से 37 आवर्स रहेंगे और 1 से 1.5 साल तक इसमें जो है एज ऑफ फर्स्ट ब्रीडिंग और ईस्टर साइकिल 16 और गाइस ओवुलेशन टाइम 12 आवर्स तक रहेगा और जेस्टेशन पीरियड इसमें 150 दिनों का रहेगा 150। सो की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एज ऑफ प्योरिटी इसमें 5 से 6 रहेगी। बात करें एवरेज ड्यूरेशन ऑफ हीट रेंज की तो 3 दिन इसमें रहेंगे, एवरेज फर्स्ट ब्रीडिंग तो 8 मंथ, इसके बाद ईस्टर साइकिल 21 दिनों का यहाँ पर रहने वाला है इसमें और इसमें भी गाइस आप देख सकते हैं कि सेकेंड डे ऑफ हीट इसमें ओवुलेशन टाइम रहेगा और इसमें जेस्टेशन पीरियड की बात करें तो जेस्टेशन पीरियड जो है इसमें 115 दिनों का रहने वाला है। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें मैं आपको बिल्कुल पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। और दोस्तों, ये जो है हमने यहाँ पर बात की है काऊ, बुफेलो, डो, यू और सो की। और गाइज, ये नीचे को जितने भी बताए गए हैं इसका आप देख सकते हैं कि इनका भी सारा डिटेल में यहाँ पर बताया गया है। तो गाइज, ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।